पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर थाना प्रभारी कसरावत पुष्करण मोयल द्वारा यातायात जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने सहित डबल सवारी और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने की सलाह दी गई। तो वहीं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट और वाहन के बीमा फिटनेस कंप्लीट कराने की सलाह दी गई। पुलिस थाना कसरावत में नया बस स्टैंड तक निकाली गई रैली में थाना प्रभारी पुष्करण मोयल, RI शरद पाटिल सहित थाना स्टाफ के सदस्य मौजूद थे। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। सर, जो आज जागरूकता रैली निकाली गई है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो यातायात जागरूकता रैली हमारे कसरावत पुलिस द्वारा निकाली गई है, इसमें पुलिस मुख्यालय भोपाल से तथा हमारे IG साहब इंदौर और SP साहब के माध्यम से जागरूकता अभियान के संबंध में एक पत्र आया था, जिसमें वर्तमान समय में होने वाले जो एक्सीडेंट, कुछ महीनों से एक्सीडेंट की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है, इस कारण से उनकी रोकथाम और बचाव के लिए ये रैली निकाली गई है। इस यातायात रैली में हमने जो दो पहिया वाहन चालक है उनको हेलमेट लगाने संबंधी, मोबाइल पर बात नहीं करने संबंधी और दो सवारी बैठने संबंधी जानकारी दी गई है, तथा फोर व्हीलर जो चालक है उनको बाकायदा चालक और जो साथ में बैठने वाले बाकायदा अपना सीट बेल्ट लगाए, जिससे कि हम जो वाहन दुर्घटना है उसको कम कर सकें और इसको क्या बोलते हैं अपना कम करके लोगों की हम जागरूकता फैलाएं। सर, जैसे नवतपा जैसी गर्मी में पुलिस के जवान खड़े होकर लोगों को रोक के हेलमेट के बारे में समझा रहे हैं और जो नहीं समझ रहे उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? अभी हम ये जागरूकता अभियान लगातार चलाएंगे, अगर इसके पश्चात भी लोग नहीं मानते हैं तो उसमें चालानी कार्रवाई हम करेंगे, ताकि जनता को ये नहीं लगे कि पुलिस ने हमको कोई जानकारी या जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं होने के कारण फिर चालानी कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।